Hello, my name is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo, India's number one channel for NEET and AIMS preparation. इस चैनल पर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए और साथ में ही हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं एम्स के पास्ट क्वेश्चंस, नीट के पास्ट क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ताकि यू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट इन नीट 2020. मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी शाम को 4 से 4:30 और 6 से 6:30 और एक बार जो तुमने मुझसे पढ़ लिया आई गारंटी यू 100% तुमको समझ में आएगा. आज का टॉपिक है कोफैक्टर. ये जो 6 बजे वाली सीरीज चल रही है वो ये है कि नीट 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और उनको किस प्रकार से सॉल्व करना था. तो कोफैक्टर पे क्वेश्चन आया था, क्या होते हैं, कैसा क्वेश्चन आया था आज हम पढ़ेंगे. आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करेंगे, ये लिंक जो है उसमें डालेंगे और आप हमसे वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगे. मेरे सारे नोटिफिकेशंस, इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. अनअकैडमी प्लस के बारे में आपको बता देती हूँ. अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जैसे अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो है. अनअकैडमी प्लस पे 40 से अधिक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं इंक्लूडिंग डीसी पांडे सर जो कि फिजिक्स पढ़ाएंगे वहाँ पे. मैं अपना पूरा सिलेबस कराऊंगी अनअकैडमी प्लस पे, प्लस वन प्लस टू जुआलॉजी बॉटनी सब कुछ मिला के, ठीक है. देन अनअकैडमी प्लस पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ये अपना अपना कोर्स स्ट्रक्चर बना के पढ़ाते हैं, तो मतलब आपको किसी टॉपिक की वेट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप कभी भी पढ़ सकते हो क्योंकि कोई ना कोई टीचर तो उसे पढ़ा ही रहा होगा या फिर कोई ना कोई टीचर पढ़ा चुका होगा. रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे आपको. हमारी टेस्ट सीरीज चलती है हर संडे, प्लस वन के लिए, प्लस टू के लिए और ड्रॉपर्स के लिए अलग अलग. तो आप अपनी मर्जी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, टेस्ट देंगे और अपने टीचर से डिस्कस करेंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पूरा ही कोचिंग सेंटर है, बस कोचिंग सेंटर के जो ड्रॉबैक्स हैं वो इसमें नहीं है. जैसे कि आप अपना टीचर खुद चूज़ करते हैं आपको किससे पढ़ना है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप चूज़ करते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज़ आप चूज़ करते हैं आपको कौन सी देनी है, एक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ भी आप दे सकते हैं. और इसका आप प्राइस सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे ऑफलाइन के कंपैरिजन में या किसी ऑनलाइन के कंपैरिजन में भी, ऑनलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में भी इसका प्राइस आपको मैं बताती हूँ कितना होगा. अभी 6 महीने रह गए नीट में, 6 महीने का प्राइस सिर्फ 21,000 के आसपास है, 21,600 रुपये टू बी एग्जैक्ट. कैसे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फ्रंट पेज पे जाएंगे, प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाके नीट एम्स के सेक्शन पे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे. उसके बाद टाइम चूज करेंगे आप कितने समय के लिए अनअकैडमी पढ़ना चाहते हैं. मान लीजिए आप 6 महीने के लिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि 2020 नीट में 6 महीने का समय रह गया है, या प्लस वन स्टूडेंट है तो आप 1 साल या 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हैं. किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे 6 महीने की फीस आपको 24,000 दिखा रहा है और 1 साल की फीस आपको 30,000 दिखा रहा है. अब इसको कम करने का तरीका क्या है, ये और भी कम होगी फीस कैसे. मान लो आपने 1 साल वाला क्लिक किया, 6 महीने वाला कोई भी कर लो, मान लो 1 साल वाला किया, 30,000 फीस दिखाएगी, पे नहीं करना है. यूज़ दिस कोड रितु लाइव, ये कोड डालते ही, रितु मेरा नाम, लाइव बिकॉज वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, रितु लाइव कोड डालते ही यू गेट 10% ऑफ ऑन ऑल योर, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं. 30,000 का 27,000 हो जाएगा, वहाँ पे 6 महीने वाला 24,000 का 21,600 हो जाएगा, 2 साल का 48,000 की जगह 43,200 हो जाएगा. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का. बायोमोलिक्यूल्स प्लस वन का टॉपिक है. बायोमोलिक्यूल्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स. एंजाइम्स का केमिकल नेचर पढ़ते हैं, वैसे तो ये मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं परंतु कुछ एंजाइम्स आरएनए भी हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, है ना. फॉर एग्जांपल राइबोसाइम, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस राइबोसाइम. अभी देखो एंजाइम, जिन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए बता रही हूं, एंजाइम्स, मैं सिर्फ प्रोटीन वालों की बात करूँगी यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको छोड़ रही हूँ. ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, ठीक है. बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तुमको ये बात पता है. ये मदन लाल है, ये मदन लाल की बॉडी है.
मदन लाल की बॉडी में इस समय पे लाखों केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं. अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. ए प्लस बी सी बन रहा है, सी में डी ऐड हो रहा है तो ई बन रहा है. इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस चले हुए हैं. इन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है. कुछ नहीं है, बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कह देते हैं, ठीक है. अभी कोई भी बॉडी का केमिकल रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं होता. सभी रिएक्शंस के बीच में कोई ना कोई एंजाइम काम कर रहा होता है. इस एंजाइम का क्या काम है? प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है. प्रोटीन का मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है. हमारी बॉडी में सभी केमिकल रिएक्शन इंजाइम्स की मदद से होते हैं. एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो इंजाइम की मदद से ना हो. सबके लिए इंजाइम है, सबके लिए इंजाइम है, ठीक है. अब इंजाइम्स वैसे तो मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, परंतु कुछ इंजाइम्स को काम करने के लिए प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी चाहिए होता है. सिर्फ प्रोटीन काम नहीं कर पाता, ठीक है. तो कोई नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जब उनसे आके अटैच करता है तब वो काम कर पाते हैं. ऐसे इंजाइम्स को बोलते हैं हॉलो इंजाइम्स, ठीक है. हॉलो इंजाइम्स ऐसे इंजाइम्स हैं प्यारे बच्चों, जो कि जिनमें कि एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एपो इंजाइम कहते हैं. दिस इज द प्रोटीन पार्ट. और उसके साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्ट लगना चाहिए जिसको कोफैक्टर कहते हैं. अब इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है. पहले मैं डायग्रामेटिकली तुमको समझा देती हूं. मान लो ये प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है. ये प्रोटीन है, इसको कलर कर लेते हैं क्योंकि कलर किए बिना तो हमें मजा नहीं आता. दिस इज द प्रोटीन विच विल एक्ट एज अ एंजाइम, ठीक है. ये प्रोटीन अभी मतलब कुछ प्रोटीन, कुछ तो अकेले इंजाइम प्रोटीन प्रोटीन ही काम कर लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है. परंतु ये प्रोटीन अकेला इंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं शो कर पा रहा. इसके साथ एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट लगेगा जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, तब ये काम कर पाएगा. मान लो ये कोफैक्टर यहाँ पे लग गया, कोफैक्टर यहाँ पे लग गया. अब ये कंप्लीट इंजाइम बना है, अब ये अपना काम कर पाएगा, ठीक है. सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम होलो इंजाइम कहते हैं. लर्न करना बहुत आसान है. होल, होल वर्ड सुना है तुमने, WHOL, होल. होल मतलब कंप्लीट. तो होलो इंजाइम कंप्लीट इंजाइम है जो कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से जुड़ के बना हुआ है, ठीक है. जो प्रोटीन पार्ट है उसको कहेंगे एपो इंजाइम. देखो बहुत आसान है याद करना. प्रोटीन पार्ट को ना बेइज्जती फील हो रही है यहाँ पे कि यार मैं अकेला क्या काम नहीं कर सकता, क्या मुझे बैसाखियों की ज़रूरत है, क्या मेरे को हेल्प की ज़रूरत है. तो हम उसको सांत्वना दे रहे हैं कि आप ही हो इंजाइम. मेन इंजाइम तो आप ही हो, ये तो साइड में वर्कर है, ठीक है. सो आप, जहाँ पे हमने वर्ड लगा दिया ना, आप हो इंजाइम, तो हम प्रोटीन को पूरी पूरी इज्जत दे रहे हैं कि आप ही हो इंजाइम. एपो इंजाइम इज आप हो इंजाइम, ठीक है. तो ये प्रोटीन पार्ट है. और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको कोफैक्टर बोल देते हैं. कोफैक्टर को आप याद कर सकते हो को वर्कर, वर्कर से याद कर सकते हो कि ये बेचारा वर्कर है, साइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर लो. समझ में आ गया, लर्न हो जाएगा. नीट 2017 में आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ठीक है. ऐसे ऐसे इक्वेशन आई हुई थी, एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोफैक्टर,
कि हॉलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, ऐसे बदल बदल के दिए हुए थे, तो आपको पहचाननी थी कि सही इक्वेशन ये थी। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये को फैक्टर वाला पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2-3 साल में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पार्ट से, अराउंड 3 सालों के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो को फैक्टर है ये 3 प्रकार का होता है। क्या बोला मैंने, ये जो को फैक्टर है ये 3 प्रकार का को फैक्टर होता है। इसके केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है, इसके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, इसके नखरे पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो, वन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, अदर इज कॉल्ड कोएंजाइम, एंड फाइनली द लास्ट वन इज कॉल्ड मेटल आयन। 3 प्रकार का कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। इसको एक बार क्लिक करेंगे फिर आगे समझा रही हूं, इसको रब करना चाहती हूं मैं। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कहां है मेरे प्यारे बच्चे? कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ जी, बफर हो रहा है, नेट चेक कर लेते हैं हम अपना, हमारा नेट तो बढ़िया है भैया। गुड इवनिंग फैजल, फैजल जमीर, आसिफ कमल, तनु, आई एम लाइव बेटा। चलिए आगे समझाती हूँ। सुमन सिन्हा हेलो, तुम लोग मेरी क्लास में आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर तुम रिस्पॉन्ड दो करोगे कि मैम समझ में आ गया है, यस मैम, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, इन तीनों में फ़र्क क्या है? पहली बात तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मेटल आयन तो ऑर्गेनिक हो नहीं सकते, नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल के आयन्स हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो जरूरत से ज्यादा चिपकू गर्लफ्रेंड्स होती है ना, जो कभी अपने बॉयफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ती, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम मूवी देखने जाओगे तो मैं जाऊंगी, तुम पढ़ाई करने जाओगे तो मैं जाऊंगी, समझ रहे हो इस तरीके से, वैसी होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज क्रेजी गर्लफ्रेंड। ठीक है, इट इज टाइटली एंड परमानेंटली बाउंड, परमानेंटली बाउंड टू एपोएंजाइम। एपोएंजाइम के साथ टाइटली और परमानेंटली बाउंड होगा, छोड़ेगी नहीं है उसको, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है उसका, मान लो भी कोई काम नहीं है बॉडी में तो भी ये उसके साथ ही चिपकी रहेगी, नहीं तुम मैं नहीं जाने दूंगी। ठीक है, और टाइटली पकड़ के रखेगी और हमेशा के लिए पकड़ के रखेगी, चाहे उसका अभी हॉलो एंजाइम का काम हो या नहीं हो, ये हमेशा इसके साथ अटैच रहेगा इन केस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, को एंजाइम इज लाइक जो थोड़ी टाइम पास वाली गर्लफ्रेंड होती है कि ठीक है हम ज़्यादा नहीं, ठीक है मतलब हो तो बात कर लो, मत नहीं तो मत करो, मतलब कूल सी गर्लफ्रेंड है ये। ठीक है, और ये सिर्फ एक की गर्लफ्रेंड नहीं होती है। ठीक है, कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक ग्रुप्स विच अटैच टू द एपो एंजाइम ओनली वेन रिक्वायरमेंट इज देयर। मान लो एक किसी हॉलो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सिर्फ तभी ही कोएंजाइम एपोएंजाइम से बाइंड करेगा, नहीं तो खुला रहेगा, एपोएंजाइम अलग पड़ा रहेगा, कोएंजाइम अलग पड़ा रहेगा, जब जरूरत है तो बाइंड किया और लूजली अटैच किया, ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं करना, लूजली अटैच किया, अपना काम किया और फिर खुल गए। ठीक है, सो दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लूजली एंड टेम्परेरली अटैच्ड टू एपोएंजाइम। लिख दो, लूजली एंड temporarily attached, याद रहेगा कोएंजाइम ऐसे
चिल गर्लफ्रेंड की तरह, ठीक है, लूजली जब जरूरत है तब बाइंड करो, नहीं तो खुले घूमो, ठीक है। और वो जरूरी नहीं कि एक ही एपोएंजाइम से बाइंड करेगी, इस पर बाइंड करके काम किया फिर खुल गई, फिर किसी और से बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो लूज अटैचमेंट है, कहीं कहीं पर बाइंड कर सकती है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड करेगा, एक ही एपोएंजाइम से बाइंड करके रखेगा और परमानेंटली बाइंड करके रखेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आगे चलो मैं बताती हूँ, ये नोट डाउन कर लो एक बार। वाई लूजली बाउंड अंकुर दास, क्योंकि वो बहुत सारे एपोएंजाइम्स के लिए कोएंजाइम का काम करते हैं जरूरत पड़ने पे, एक ही एपोएंजाइम के साथ नहीं जुड़े रहते हैं। अलमक्षन पठान, लीजिए आपका नाम ले लिया मैंने। सनिधि भट्टाचार्य, बस नवंबर शुरू हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल करना चाहते हैं हम एक। जो वो टाइटली बाइंड वाला था, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल, हीम ग्रुप का नाम सुना है तुमने? हीम ग्रुप एक ऑर्गेनिक ग्रुप है जो तुम्हें जगह जगह पे देखने के लिए मिलता है, जैसे हीमोग्लोबिन में भी तुमको हीम देखने के लिए मिलता है, जो कि ग्लोबिन नाम की चेन्स, प्रोटीन चेन्स से अटैच्ड होता है, ठीक है। हीम ग्रुप इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर कैटलेज एंजाइम एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये दो एंजाइम ऐसे हैं, इसका भी प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है और इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हीम है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। अगर को एंजाइम की बात करूं, को एंजाइम की बात करूं तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनईडी। एनईडी का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसको, नोट करेंगे, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो मैं तुम्हें इसमें कुछ बात बताना चाहती हूँ, देखो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड समझते हो तुम क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट को जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड है ये, और कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन। पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड वर्ड आया है निकोटिनिक एसिड से, निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड का अमाइड बना दो, एसिड्स का अमाइड बन जाता है ना, अमाइड बना दो निकोटिनामाइड बन जाएगा। निकोटिनिक एसिड इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री या फिर नायसिन। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों कहते हैं हम कि अपने विटामिन्स ढंग से खाइए, विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, क्यों कहते हैं हम मिनरल्स की ज़रूरत होती है बॉडी को, बिकॉज लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। तो आपकी बॉडी के सभी एंजाइम्स प्रॉपरली काम करते रहें उसके लिए आपको कोएंजाइम्स की जरूरत है, और कोएंजाइम्स बनाने के लिए आपको विटामिन्स की जरूरत है। देख रहे हैं आप, निकोटिनामाइड एक विटामिन से बना है, विटामिन बी थ्री से बना है, नियासिन से बना है, ओके। दैट इज व्हाई विटामिन्स आर सो इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन का यूज आपने कहाँ पे देखा है, तो आप ये वाला आपको ऑप्शन मिल सकता है नीट में, ठीक है। सो ये किसका कोएंजाइम है ये एनसीईआरटी नहीं बता रही, तो अपने को बस ये लर्न करना है कि एनएडी इज वन कोएंजाइम, किसका है नहीं जानना, प्रोस्थेटिक ग्रुप में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है और किसका है ये भी जानना है, ठीक है। दोनों हो गए, और इसमें सिर्फ एक एग्जांपल दे रही है एनसीईआरटी, मेटल आयंस में, मेटल आयंस में तो ऑर्गेनिक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनऑर्गेनिक ही होते हैं आयंस, तो फॉर एग्जांपल जिंक का एग्जांपल दे रहे हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में, नाम सुना है टाइडेज, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये किया है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज एन एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम पैंक्रियाज टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन डाइजेशन में जरूरत होता है, और ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक जिंक इससे बाइंड नहीं करेगा। हालांकि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे मेटल आयंस दिए होते हैं एक्टिवेशन के लिए, परंतु मैं सिर्फ एक करा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और क्वेश्चन यहीं से ही आएगा।
ये बात क्लियर है तो मैं तुम्हें नीट 2019 का क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ जो कि इस कॉन्सेप्ट पे आया था। शुरू करें बेटा जी। मैंने नर्व पोटेंशियल पढ़ाया है रोशन सिद्दीकी बेटा, शायद आपको मिला नहीं है मेरा वो चैप्टर। मैंने नर्व पोटेंशियल पढ़ाया है। मुंतजिम एहसान, कंप्लीट सिलेबस मैं अनअकैडमी प्लस पे कराऊंगी तो आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। कितने घंटे के लिए आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं? देखिए बेटा, हर रोज़ शायद आप बायोलॉजी नहीं पढ़ते होंगे, कोई बात नहीं, आप एक दिन छोड़ के एक दिन बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कम से कम आपको 3-4 घंटे का स्टडी देना है बायोलॉजी को। चलिए आगे बात कर रही हूँ। एंजाइम्स का पूरा पार्ट बायोलॉजी में है पर मैं आज सिर्फ कोफैक्टर वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ बेटा, जो बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ जी स्वामी, आपका क्वेश्चन मिल गया है मुझे। बायो मॉलिक्यूल से 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। बायो मॉलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे 100% एवोल्यूशन, 100% एनसीईआरटी के आंसर से अंदर से क्वेश्चन आता है। ठीक है चलिए, नहीं आज कोई स्पेशल क्लास नहीं है सौम्य चौधरी, कल है स्पेशल क्लास बेटा। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तुम्हें नीट 2019 का। आई विल राइट इट, यू विल गिव मी द आंसर। नीट 2019, ओके। दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, ओके। कोएंजाइम्स और मेटल आयन, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन दैट इज tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. एक statement है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, अपने दिमाग में determine करेंगे कि ये true statement है या false statement है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी statement दे रही हूँ। स्टेटमेंट बी इसको देखते हैं। अ कंप्लीट कैटलिटिक एक्टिव एंजाइम, अ कंप्लीट कैटलिटिक एक्टिव एंजाइम, आई होप ये पहले वाला आपने डिटरमिन कर लिया है। इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड, दोनों स्टेटमेंट्स देख ली हैं ध्यान से, ए पॉइंट्स हैं, ये दो स्टेटमेंट हैं आपके पास। ठीक है, अब आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन वन, ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन टू, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू B is false, आंसर मिल जाने चाहिए अभी मेरे को। तीसरा, A and B are false, नीट 2019 का क्वेश्चन है। चलो बेटा आंसर सेंड करना शुरू करो। A is false, B is true, A is false, B is true। चलिए उत्तर देंगे। हाँ सौम्य चौधरी, कल भी नहीं थी बेटा स्पेशल क्लास, मैं दिवाली के लिए घर गई हुई थी, तो अब स्पेशल क्लास कल लगेगी। ओके चलिए उत्तर देंगे प्यारे बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे आंसर्स का। जय किशोर सिंह का सबसे पहले जवाब आया है, वो ऑप्शन 4 कह रहे हैं।
आनंद शेखर ए कह रहे हैं, अंकुर दास 4 कह रहे हैं, अतुल रहमान 2 कह रहे हैं, बीएम पांडे सी कह रहे हैं, तनु तनु सी, आनंद शेखर ए, कॉम्युनिकेशन 2। थैंक यू सचिन रोकड़े। इतने बच्चों का गलत क्यों हो रहा है भाई, इतने बच्चों का गलत क्यों हो रहा है? तनु तनु, बहुत बच्चों ने गलत जवाब दिया है, कुछ ही बच्चों ने सही दिया। भाई इतना आराम से और प्यार से टॉपिक समझाने के बाद गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। देखो, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम या मेटल आयन जो टाइटली बाउंड है, क्या उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं? कभी भी कोएंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप तो कह ही नहीं सकते। पीछे आओ अपने कॉन्सेप्ट पे प्यारे बच्चों। कोफैक्टर इज ऑफ थ्री टाइप्स। द कोफैक्टर जो कि टाइटली बाउंड होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। कोफैक्टर जो लूजली बाउंड होता है उसको कोएंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर जो मेटल आयन होता है उसको मेटल आयन कहते हैं। तो ये तो गलत है ना स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कोएंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं कभी? नहीं भैया, ये दो अलग चीजें हैं। कोएंजाइम तो लूजली बाउंड होगा, अगर वो टाइटली बाउंड हो गया तो उसको कोफैक्टर ही नहीं कहेंगे ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है रे बिल्कुल। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड, एक अगर कोएंजाइम है तो वो कभी टाइटली बाउंड हो ही नहीं सकता। कभी किसी कोएंजाइम या मेटल आयन को तुम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह ही नहीं सकते। वो तीन अलग चीजें हैं, दे आर टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट, अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम, पूरे एक कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम को विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसपे प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है, उसको एपो एंजाइम कहेंगे। आओ चेक करते हैं क्या कहते हैं, पीछे आओ कॉन्सेप्ट पे। अ कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम, ये एक्टिव है, दिस इज द एक्टिव एंजाइम। कैटालिसिस सिर्फ यही कैटालिसिस कर सकता है। इट इज एन एपोएंजाइम विच इज बाउंड टू द कोफैक्टर। या एपोएंजाइम अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप भी एक प्रकार का कोफैक्टर है, तो भी उसको होलोएंजाइम कहेंगे। एपोएंजाइम कोएंजाइम के साथ जुड़ा है तो भी उसको होलोएंजाइम कहेंगे। एपोएंजाइम मेटल आयन के साथ जुड़ा है तो भी उसको होलोएंजाइम कहेंगे। सो होलोएंजाइम है जो कि मेन कैटालिटिक है ना, कैटालिटिक एंजाइम है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट होगी ना बच्चों। देखो, अ कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम तो होलो एंजाइम होता है ना, तो ये तो बकवास है ना, ये भी गलत हो गया। उत्तर क्या बनेगा? बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। थर्ड आंसर था, बहुत कम बच्चों का ठीक था। क्यों भाई लोग, ऐसा क्यों हुआ? थैंक यू अनीश दलाल। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? विशाल यादव, ये बेटा नीट 2019 के क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है कि उनको कैसे सॉल्व करना था। बीबी गुन, देखिए एक बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम अगर हम कहीं से कोचिंग नहीं लेंगे तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो, मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना बच्चों, जो बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर देती है। ठीक है, अगर आपके पास कोचिंग है तो वो एक बहुत बड़ा टूल है आपके पास, बहुत बड़ा हथियार है। एक टीचर अगर आपके पास है, वो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझा देता है। आपको एनसीईआरटी में माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हो, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाती है, और वो आपको एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक्स भी करा देता है। तो अब आपकी मेहनत सिर्फ ये है कि जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको समझ तो लिया, अब बस उसको लर्न करना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो एक अच्छा टीचर आपके टारगेट को 50-60% आसान कर देता है। ये बिल्कुल ट्रू बात है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो, फिर देखो मैं आपकी बायोलॉजी कैसी करती हूँ। आपकी बायोलॉजी मैं ऐसे कर दूंगी कि 360 में से 340 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, आएंगे ही आएंगे। परंतु यदि तुम ये कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जैसे ये बच्चा पूछ रहा है, तो बेटा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। पर अगर कर पाओगे इतना हार्डवर्क, तो सक्सेस तुम्हारी होगी ज़रूर, क्योंकि हार्डवर्क एक बहुत बड़ा हथियार अपने आप में ही है। ठीक है, सो अगर तुम इतनी मेहनत कर सकती हो, अपने आप को इस तरीके से झोंक सकती हो पढ़ाई में, तो कोई भी चीज़ तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनने वाली।
ठीक है। जो बच्चे मुझसे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा काम करेंगे, वो ये कोड डालेंगे ताकि उनको 10% ऑफ मिले। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है, जैसे ही आप ये कोड डालते हो, मुझे पता चल जाता है कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरा बच्चा है जिसने मेरी क्लासेस के बाद ये कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, ये कोड डालते ही तुमको 10% ऑफ मिलेगा एंड तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे बहुत सारी नॉलेज के। सो आई विल सी यू एट अनअकैडमी प्लस। मेक अ गुड डिसीजन बिकॉज अभी एग्जाम्स आने वाले हैं सर पे। अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि मेरे सभी यहाँ पे जो मैं वीडियोस डालती हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे, वरना मैं क्लास बंद कर रही हूँ बेटा जी। ओह थैंक यू विशाल यादव, गुड सौम्या चौधरी। Okay, bye-bye then. I'll see you. Thank you so much for being here. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye.